नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लिहाजा तमाम पार्टियां जो हैं अपने संगठन को धार देने की कोशिश में जुटी हैं। आज बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में तमाम जो संगठन के नेता हैं, जिला से लेकर के प्रखंड स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाया गया है। साथ ही संगठन में जो महत्वपूर्ण पद पर बैठे जो नेता हैं, खास करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव उस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। और बैठक में जिला अध्यक्ष से लेकर के संगठन जिलों के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है, जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया। और बैठक में इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो आपको जो टास्क दिया हुआ था, चूंकि अब लोकसभा चुनाव में महज 90 दिन के करीब रह गए हैं, ऐसे में जो आपको टास्क दिया हुआ था संगठन के दृष्टिकोण से, क्या आपने पूरा किया है कि नहीं किया है, तो इसी दृष्टिकोण को लेकर के बैठक है। बैठक में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है जो अपने नेताओं को टास्क दिया गया था, खास करके जो एक संगठन जिला में जो 50,000 नए वोटरों को जोड़ने की जो जिम्मेदारी दी गई थी, क्या उन जिम्मेदारी को जो निचले स्तर के जो नेता हैं वो पूरा कर पाए हैं या नहीं पूरा कर पाए हैं, इसी की समीक्षा हो रही है। तो जो जानकारी मिल पाई है उसमें यही बात निकल करके सामने आ रही है कि जो निचले स्तर पर जो तैयारी, जितनी तैयारी होनी चाहिए थी, उस स्तर की तैयारी बीजेपी की तरफ से नहीं हो पाई है। लिहाजा वैसे कार्यकर्ताओं को विशेष निर्देश दिया जा रहा है, जिन्होंने नए वोटरों को, खास करके जो 18 साल की उम्र के जो वोटर हैं, जो पहली बार वोट देने जाएंगे, उन तक पार्टी नहीं पहुंच पाई है, लिहाजा वैसे लोगों को खास निर्देश दिया जा रहा है कि आप तत्काल घर घर जाइए। घर घर जा करके वैसे जो नए वोटर हैं उनको पार्टी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश करिए। उनके सामने आप मोदी का चेहरा रखिए, नरेंद्र मोदी जो विदेश के प्रधानमंत्री हैं उनका चेहरा रखिए और उनके चेहरे को सामने करके वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश करिए। तो इन तमाम मसलों पर जो पार्टी के नेता हैं वो अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दे रहे हैं कि अब बहुत कम समय रह गया है, अगर आप थोड़ी भी चूक करेंगे तो फिर नतीजा जो है वो निगेटिव जाएगा। लिहाजा जो 2019 का रण जीतना है तो निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर तक की तैयारी करनी होगी। बूथ स्तर पर कम से कम 10 सक्रिय सदस्यों को जोड़ना होगा, हर हाल में जोड़ना होगा। और आज उसकी लिस्टिंग जो तैयारी है उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि खाका भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि इस तरह से 2019 का लोकसभा चुनाव में हमें विजय होना है और 2019 का जो लोकसभा, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनानी है।